आज की क्लास में हम हमारे लास्ट कुछ चैप्टर से रिलेटेड ग्रामरलॉग्स करेंगे। फर्स्ट ग्रामरलॉग इज वेदर, वे दर, वे एंड दर, वेदर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंस, डार्क एम इम्पॉर्ट। नेक्स्ट इज इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड और इम्प्रूवमेंट, तीनों के लिए एक ही हमारा शॉर्ट फॉर्म है, डार्क एम बट ऑन दी लाइन, इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड और इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज चाइल्ड, सी एच एंड डी, चाइल्ड। नेक्स्ट चेयर्ड, नेक्स्ट चीयर्ड, चीयर्ड ऑन द लाइन हाफ लेंथ, चीयर्ड। अकॉर्ड और अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू, इन सब के लिए एक ही आउटलाइन, एक ही शॉर्ट फॉर्म है दिस, अकॉर्ड, अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट इज केयर्ड, पर्टिकुलर एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये हो गए हमारे ग्रामरलॉग्स और हमारे थोड़े फ्रेजेस भी हैं इसी क्लास में। दो फ्रेजेस हैं हमारे, एक है अकॉर्डिंग टू, जिसका हमने अभी शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ये हाफ हो रहा है इन द एडिशन ऑफ टू भी और डी भी। तो ये हम जब अकॉर्डिंग टू आता है तो हम सिर्फ हाफ, ये हमारा फ्रेज यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू के लिए। और अकॉर्डिंग टू दी, अगर अकॉर्डिंग टू दी आए तो अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंड देन दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इतना हो गया, देन सेम अकॉर्डिंग टू लिख के एंड द। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रेज और ग्रामरलॉग्स। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.